मैया। हाँ नन्ना, तू घर चल, मैं तुझे औषधि लगा दूंगी, हल्दी का लेप लगाऊंगी ना, झट से ठीक हो जाएगा। चल चल। बस लल्ला बस, रो मती, चल 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 आजा, अभी औषधि लगाऊंगी ना, तेरी सारी पीड़ा लुप्त हो जाएगी। आजा आजा बैठ जा लल्ला। अभी आई मैं। हाँ मैया। अरे तो अभी तक रो रो है, हुँ? क्या कह रही थी सारी गोपियां? बता, हुँ? के मेरा लल्ला श्री नारायण का अवतार है, हुँ? दिव्य है, भगवान है, और जो भगवान इतनी छोटी सी चोट पे रोते हैं क्या? आ। इतनी तो लगी भी ना है तुझे, जितना तो तू आ ऊ कर रो है। करूंगो, आप ऐसे दुलार थोड़ी करोगी। ओहो, वृंदावन का गौ पालक जे इतनी छोटी सी चोट पर रोता है ना, गोप बालकों का मुखिया इतनी छोटी सी चोट पर रोता है। मेरा लल्ला तो सबसे शक्तिशाली है, जे इतनी छोटी सी चोट तो क्या बड़े बड़े राक्षसों से भी ना घबराता है। एक बार में सबको समाप्त कर देते है कि ना? हाँ भैया, यदि कोई राक्षस वृंदावन की ओर तेरी दृष्टि करके आएगा तो सबसे पहले कान्हा को सुरक्षा में खड़ा पाएगा, फिर जा जो पाल बन के आए या बगुला बन के। ना लल्ला, सोचो भी मती, वृंदावन की सुरक्षा करना तेरा दायित्व ना है, तुझे और कोई संकट का सामना करने की आवश्यकता ना है। अभी तो मेरी फिरता का हरण कर रही थी, चैनल से क्या हो गया मैया को? कोई आवश्यकता ना है तुझे ऐसे संकटों का सामना करने की, आने दे आज तेरे बाबा को, सीधा सीधा बोल दूंगी, बहुत हो गए उनके तर्क वितर्क। मेरा फूल सा लल्ला वन में अकेले गौचारण के लिए ना जाएगो, आज बगुले ने निकल लियो, कल कछु और हो जाए तो नारायण ना करे, कहीं कछु ऊंच नीच तुझे कछु हो जाए तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। वीर मैया, इतनी से बात तो रोती है क्या? क्या करूं काना, तुझे ऐसे बार बार संकट के मुंह में जाते हुए ना देख सकती मैं। तो फिर मैया मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं गौचारण के लिए तभी जाऊंगा जब आप आज्ञा दोगी। पक्का? छल ना करेगा ना मेरे साथ? मैंने कब छल करो मैया। अच्छा ठीक है, ना करूंगा छल, यदि आपसे पूछे बिना बाहर निकलो तो ये रही आपकी छड़ी और ये रही मेरी पीठ। चेक देना था पर तोड़। ठीक है, जब तूने अपना दंड निर्धारित कर ही लियो है तो सोच ले
अब अगर तूने मेरी बात ना मानी तो तोमोड़ तोड़ छड़ी पड़ेगी, समझ आई? अच्छा ही है कि काना कुछ दिन घर ही रहे, राजवन में जो हुआ है अवश्य कंस ने ही करवाए हुए वो सब। आपका ये धनुष तो सबसे अधिक शक्तिशाली था महाराज, ये कैसे टूट गया? कहीं ये वकासुर की पराजय का संकेत तो? प्राप्ति, लगता है तुम्हें शुभ समाचार मिला नहीं। उस वकासुर ने उस विष्णु अवतार को जीवित ही निगल लिया है। अरे अब तक तो उस नन्हे से बालक को पचा भी चुका होगा वो। उसके तन में रक्त बनकर वो विष्णु अवतार और उसकी शक्तियां दौड़ रही होंगी। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। इस अशुभ से मुख से शुभ समाचार आने दो। माथे के बल को ढीला करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ और कहो, महाराज वृंदावन में मातम फैल चुका है। मैं ऐसा ही करता महाराज, यदि सूचना सत्य होती तो। कहना क्या चाहते हो? एक क्षण में सूचना उगलो, अन्यथा मेरा योद्धा वकासुर विष्णु अवतार की तरह तुम्हें भी जीवित निकल जाएगा। आने दो। वकासुर मारा गया महाराज, वकासुर मारा गया महाराज, वकासुर मारा गया। वकासुर मर चुका है, असंभव। असंभव। वकासुर ने उस बालक को निगल तो लिया था, पर उसकी सुरक्षा करने के लिए सभी देवता वहां प्रकट हो गए, पर फिर भी कोई वकासुर का सामना नहीं कर पाया। और फिर क्या हुआ? वो बालक स्वयं ही वकासुर के उदर से बाहर आ गया और उसकी चोंच तोड़कर उसकी हत्या कर दी। वन में वकासुर की चोंच टूट गई और यहां आपका ये धनुष। केवल नहीं टूटा तो आपका ये भ्रम महाराज, क्षमा कीजिएगा महाराज, आपका भ्रम टूटना आवश्यक है। आवश्यक है आपको ये आभास होना कि उस विष्णु अवतार को पराजित करने के लिए आपके साधारण योद्धाओं में वो सामर्थ्य नहीं है। अच्छा सर, उतना तृणावर्त वकासुर ये सब साधारण नहीं थे। प्राप्ति, साधारण नहीं थे। फिर तो ये और भी अधिक चिंता का विषय है महाराज, क्योंकि इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो विष्णु अवतार कुछ अधिक ही असाधारण है और उसका सामना करने के लिए और उसे मिट्टी में मिलाने के लिए आपको एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो उसके सामने ना झुके और ना ही टूटे। तो फिर मैं ऐसा ही अस्त्र ढूंढूंगा, चाहे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े मुझे, दसों दिशाएं 14 भुवन क्यों ना नापने पड़े मुझे, मैं उस असतर को अवश्य ढूंढ निकालूंगा जो उस विष्णु अवतार के प्राणों की डोरी इस धनुष की तरह तोड़ सके। थैंक्स बाबा, माने मैया को वचन दिया है कि जब तक नहीं चाहेंगी मैं वन नहीं जाऊंगा, इसलिए आप मुझे मारने के लिए कोई शक्तिशाली असुर ढूंढने में व्यस्त रहो। कुछ दिन तब तक मैं व्यस्त रहूंगा अपनी भैया की सेवा करने में।
शिव जी को चढ़ाने के लिए जल। लो मैया और आटा। लो मैया बेलन। ले अनि खा ले। ओ मैया भूख ना लगी है। बिना भूख के खाने से क्या लाभ। और तेरा जब पेट तो कह रहा है कि उसे भोजन चाहिए। और लाभ कैसे ना लल्ला, भोजन का लाभ है ना, तन को पोषण मिलेगो, स्वास्थ्य बनेगो, जे तेरी भुजाओं में शक्ति आ जाएगी ताऊ के जैसी, ताऊ से भी अधिक, तेरे जे केस भी लंबे हो जाएंगे। सच्ची मैया? सच्ची, माप के देख लियो नित्य दिन। तनिक खा। मान के मैया का कहना, छक के भोजन खाते हैं, नित्य मापते भुजा केश, पर ज्यो का त्यो ही पाते हैं। ले लल्ला फल खाने। ना मुझे ना खाने फल वल। क्यों, लंबे केस और शक्तिशाली भुजाएं ना चाहिए। व्यर्थ है ये सब, पिछले 10 दिनों से देख रहा हूँ, ना केस लंबे हुए हैं, ना भुजाएं शक्तिशाली बनी है। 10 दिन में कछु ना होने वाला, 10 सप्ताह ऐसे खाएगो ना तब जाके कछु बदलाव दिखेगो, समझ आई। चल अब खा ले, वैसे भी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी आज। इसीलिए मैया एकादशी के व्रत के लिए। लल्ला सुनो जी, सारी सामग्री आ गई। हाँ, तुमने जो कही थी सब ले आए हूँ। इसमें नारियल तो है ही ना, उसके बिना मैं एकादशी की पूजा कैसे करूंगी। क्या सुधा, मैंने भोला से कह दिया वो लेकर आते ही होगा, घबराओ मत। कैसे ना घबराऊं जी, आपको पतो है ना एकादशी का व्रत मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पतो है। अरे इसमें तो दिए भी ना है। दिए ना है, अब मैं अभी लेकर आता हूं। आप रहने दो, मैं ही लेके आती हूँ। भक्त भोला राम के आशय। भक्त भोला राम, मेरा अर्थ है कुमार खुला यहाँ के आसे। हाँ हाँ वो ही। श्री हरि, श्री हरि, मेरे श्री हरि। मेरे श्री हरि। भोला राम मेरी मटकी तैयार है। मेरे श्री हरि। मेरे श्री हरि। भोला राम भोला काका, ओ भोला काका,
मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे घर मेरे भगवान आ गए। मेरे घर आ गए, मेरे श्री हरि आ गए, हाँ मेरे श्री हरि आ गए। जे तो बावले थे ही, अब बालकन को भी साथ में मिला लिए। उज्जवल क्या कर रहा है? अरे ठहर जा बोला। वो गाना किसकी धुन में झूम रहे तू? निर्मल निशा भक्ति की धुन में। अरे क्या हो गया इन्हें, बावले हो गए हैं क्या? ठहरो, कोई आवश्यकता ना है ऐसे बावलों की तरह नाचने की। क्या है मौसी, भक्ति में रम गए? हम सब कब से खड़े हैं यहाँ, पर तुम्हें कुछ ध्यान ही रहा है? नाच गाने में ऐसे मगन हुए कि हमें देखा भी ना। मुझे नाचते हुए देख मेरे श्री हरि को इतना आनंद आ रहा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और वैसे भी मेरे जन्म का एकमात्र उद्देश्य है श्री हरि की सेवा करना, श्री हरि को प्रसन्न करना। तुम बावले हो भोला राम, या हमें बावला बना रहे हो? श्री हरि और तुम्हें देख रहे हैं? हाँ, अभी वो यहीं थे, देख रहे थे। भोला काका, आपने भी ना अति कर दी। अब हमें भी बताओ तनी, कहाँ थे श्री हरि? ना जाने अपना उपहास करवाने में क्या आनंद आता है इन्हें। देखो, अब तुम सच मानो या झूठ, लेकिन हमरे श्री हरि यहीं थे, इसी चाक पर अभी। हाँ, लो सुन लो इस मूर्ख की बात। श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो जो इसके मिट्टी के चाक पे आकर बैठेंगे। श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो जो इसके मिट्टी के चाक पे आकर बैठेंगे। श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो। जैसी मैया वैसो ही लल्ला, दोनों का कुछ पता ही ना चलतो। कब किस बात पर प्रसन्न हो जाए और किस बात पर रुष्ट। अरे मैं भला असत्य क्यों बोलूंगा, अभी अभी यही थे श्री हरि। हाँ, हाँ जैसे श्री हरि को तो कोई कार्य है ही ना, वो तो आतुर होके बैठे रहते हैं कब तुम हरि हरि बुलाओ और वो दौड़े चले आए।
भगवान तो भक्तों के पास आने के लिए सदैव आतुर रहते हैं, बल्कि सत्य तो यह है कि भक्तों के मन में ही निवास करते हैं भगवान। अरे मैं भला असत्य क्यों बोलूंगा, अभी अभी यही थे श्री हरि। हाँ हाँ, जैसे श्री हरि को तो कोई कार्य है ही ना, वो तो आतुर होके बैठे रहते हैं कब तुम हरि हरि बुलाओ और वो दौड़े चले आए। भगवान तो भक्तों के पास आने के लिए सदैव आतुर रहते हैं, बल्कि सत्य तो यह है कि भक्तों के मन में ही निवास करते हैं भगवान। भगवान तो भक्त के पास आने के लिए सदैव ही आतुर रहते हैं संक्री मौसी, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि भगवान हमारे मन में ही निवास करते हैं। कम से कम तू तो इसे बढ़ावा मत दे जशोदा, जब देखो जब हरि नाम की रट लगाए रहते है, हरि बोलते बोलते ऐसो बावलो होता है कि सारा कार्य भूल जाते है। दो दिन से अपनी मटकी के लिए चक्कर काट रही हूँ। अभी तो एक चक्कर और लगाना होगा आपको। आपकी मटकी तैयार हो गई है, अभी लाता हूँ। लो जी मटकी। इस कच्चे मटके का क्या करूं मैं? पर इसे तो मैंने भट्टी में पकाया था। अब तू ही देख ले कितना ध्यान रहता है इस कार्य पे, और कह तो है कि श्री हरि आते हैं इससे मिलने। हाँ आते हैं और आगे भी आएंगे हमारे श्री हरि हमसे मिलने, और आके मोक्ष देंगे है ना। मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे, मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे, मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे। अभी तो जे बता कि तू मुझे मेरी मटकी कब देगो और मेरी मांग कब पूरी करोगी भोला राम जी। मेरो घड़ा मेरे दिए तो तैयार है ना, कल एकादशी की पूजा और व्रत के लिए। एकादशी का व्रत? हाँ एकादशी का व्रत, इसे करने से श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा फिर तो अभी लाया। लो जी आपके दिए। और जो हमने मांगा है वो? बाकी सब शेष द्वादशी के दिन मिलेगा, क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा, क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा, क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा। जानकी फूलों का प्रबंध हुआ कि ना? हाँ भाभी जेरे सदैव विलंब कराती है। पर भाभी इस बार तो फूल समय से ही लाई थी। क्या हुआ जशोदा, अभी तो पूजा की तैयारी ना हुई? देखो ना मौसी जी, जानकी ना कुछ छूट ही जाता है इसके कारण। एकादशी के पूजा और व्रत आते ही जशोदा भाभी इतनी वग्र हो जाती है, ऐसो क्या होगा इस पूजा में? ये थाली में रोली चंदन रखने से दिया जलाने से के होगो? आपको पता भी है एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं, क्या महत्व है इसका? लो जे तो मैं जसोमती रानी से पूछना भूल ही गया, पर हाँ भगवान मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि इस व्रत को रखने से मेरे श्री हरि हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। नारायण ही जाने ऐसे कैसे पूजा करते हैं जे, श्री हरि की एक मूर्ति तक ना है इनके पास।
प्रभु, ना तो मेरे पास मूर्ति है और ना तो इस व्रत के विधि विधान के बारे में मुझे जानकारी है और ना ही मुझे इसके महत्व के बारे में जानकारी है, पर फिर भी मैं करना चाहता हूं। इसीलिए मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं, पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ और पूरी आस्था के साथ मैं इस व्रत को संपन्न करूंगा। हम संकल्प लेते हैं कि एकादशी के व्रत को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न करेंगे। तुलसी जी के पत्ते तो है ही ना? श्री नारायण को तुलसी जी के पत्ते के बिना भोग ना चढ़तो है। जानकी, तुलसी के पत्ते कहाँ है? भाभी, मैं तो कब से यही पूछना चाह रही थी कि तुलसी के पत्ते लाऊं क्या, पर आप तो व्यस्त थी ना। तुझे कितनी बार समझाओ है ना, यदि तेरे कछु करने से किसी और की कोई हानि ना हो रही हो या किसी के अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता ना है। समझ गई भाभी, आगे से जाना उनको। ले, अभी लेकर आती हूँ। ताऊ, आपने पहले ये व्रत करो है? आपको इसका महत्व पता है? भाभी, चल। जानकी, तुमने ये व्रत करवा है? फिर तुमको इसका महत्व पता है? सुमती जी, आपको पता है इसका महत्व? कान्हा, क्यों तंग कर रहा है सबको? मैया, सबने करो ये व्रत, मुझे भी करना है। ये व्रत केवल बड़ों के लिए होती है लल्ला। क्या बात, ये व्रत कर सकती हो? बाबा कर सकते हैं? ये सारी गोपियां कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं? तो मैं क्यों ना कर सकता? क्योंकि तू कल तक भूखा ना रह पाएगो लल्ला। जब भक्त रह सकते हैं, फिर मैं क्यों नहीं रह सकता? मेरा अर्थ है कि नारायण के भक्त मैया। मैया मान जाओ ना, मुझे करने दो ना ये व्रत। अपने लल्ला पे आप विश्वास ना है आपको? विश्वास है। अच्छा ठीक है, तू भी कर ले। पर मैया, व्रत की कथा तो सुनाओ, मैं तो अबध हूँ ना। मुझे कैसा पता चलेगा कि ये व्रत करते क्यों है? प्रभु, मुझ अबोध को कैसे पता चलेगा कि इस व्रत का क्या विधि विधान होता है और क्यों रखा जाता है और इसका महत्व क्या होता है? मुझे तो आप ही बता सकते हैं प्रभु। जब व्रत कर रहे हैं तब उसका महत्व भी पता होना चाहिए ना। बताओ ना मैया, क्यों रखते एकादशी का व्रत? इसके लिए तो तुझे एकादशी की कथा सुननी होगी। सुनेगो ना? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम। श्री हरि यशोदा परमान।
अपने भक्तों को एकादशी व्रत का महत्व समझाने का अच्छा उपाय खोज निकाला है आपने। अब सब जन एकादशी के व्रत की कथा ध्यान से सुनना, तभी जे व्रत पूरा माना जाएगो। समझो लल्ला। सतयुग में चंद्रावती नाम के नगर में मूरा नाम का एक असुर राज्य करता था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 जब उसने देवताओं के हाथों असुरों की पराजय देखी, तब वो वरदान पाने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की तपस्या करने चला गया। शीघ्र ही मूरा की तपस्या सफल हो गई और ब्रह्मदेव जी उससे प्रसन्न हो गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 मूरा प्रणाम। ब्रह्मदेव, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसकी सहायता से मैं त्रिलोकी विजयी बन जाऊं और कोई देवता मुझे पराजित ना कर सके। यहां तक कि देवताओं के रक्षक, सृष्टि के संचालक भगवान श्री विष्णु के लिए भी मैं अपराजय रहूं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव। ऐसा वरदान पाकर मूरा बहुत अभिमानी होगा। यक्षों, किन्नरों, यहां तक कि देवताओं को भी युद्ध के लिए ललकारने लगो, पर किसी ने भी उसकी ललकार को स्वीकार ना करो, क्योंकि सभी उसकी शक्ति से बहुत भयभीत थे और उसके सामने युद्ध किए बिना ही अपनी पराजय स्वीकार करने लगे और फिर दंभ में आके उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया।
और देवराज इंद्र तक को चुनौती दे डाली। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं देवराज, क्या उत्तर है तुम्हारा? मुझसे युद्ध करोगे या फिर बिना लड़े ही पराजय स्वीकार कर मेरे अधीन हो जाओगे और सौंप दोगे मुझे अपना ये स्वर्ग लोक? सारी शक्ति तुम्हारे मुख में है या कुछ बाहुबल भी है तुम्हारे पास? मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ मूरा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ मूरा। अरे देवगण, असुरराज मूरा को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है, आप में से कोई भी इन्हें पराजित नहीं कर पाएगा। एक अवसर और देता हूं देवराज, युद्ध या अधीनता, क्या उत्तर है तुम्हारा देवराज? इंद्र और सभी देवताओं ने मूरा के आतंक में आके उससे भयभीत होके अपना सिंहासन छोड़ दियो। अब मूरा स्वर्ग का अधिपति बन गयो और शीघ्र ही उसने अन्य सभी असुरों को स्वर्ग में निवास करने के लिए आमंत्रित कर दियो और इस प्रकार से वो धीरे धीरे तीनों लोकों का सम्राट बन गयो। उसे किसी ने रोका नहीं मैया? ना लल्ला, इतना साहस किसी में था ही ना। और फिर जे निश्चित करने के लिए कि भविष्य में किसी और असुर की मृत्यु ना हो, वो यमराज पे भी विजय प्राप्त करने के लिए यमलोक की ओर प्रस्थान कर दियो। वो तो अपने आप को और सभी असुरों को अमर बनाना चाहता था, पर देवता और यमराज भी उसकी जे योजना समझ गए थे, इसीलिए उसके आने से पहले ही सारे देवताओं ने श्री नारायण से सहायता के लिए गुहार लगाई। अब केवल आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु। अभी तो मूरा केवल त्रिलोक का स्वामी है और यदि उसने यमलोक भी जीत लिया तो वो जीवन को ही नियंत्रित नहीं करेगा प्रभु, वो मृत्यु का भी स्वामी हो जाएगा। ऐसे में पहले सृष्टि का संतुलन तो नष्ट होगा प्रभु और फिर स्वयं सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा यमदेव, नियति ऐसा होने ही नहीं देगी। विधि रचेगी खेल और मैं बनूंगा माध्यम। असुर राज मुरा का सामना मैं करूंगा, बस आप मुझे चुनौती देने के लिए उसे तैयार कर लीजिए। चाहे उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद कोई भी उपाय क्यों ना अपनाना पड़े।
आप तो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही खड़े हैं यमदेव, तब तो आपने मेरी चुनौती के बारे में भी सुना ही होगा। कहिए क्या उत्तर है आपका? मेरा स्वागत करके अपना राज्य त्यागेंगे या मेरा सामना करके अपने प्राण? असुर राज मुरा का सामना मैं करूंगा, बस आप मुझे चुनौती देने के लिए उसे तैयार कर लीजिए, चाहे उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद कोई भी उपाय क्यों ना अपनाना पड़े। आप तो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही खड़े हैं यमदेव, तब तो आपने मेरी चुनौती के बारे में भी सुना ही होगा। कहिए क्या उत्तर है आपका? मेरा स्वागत करके अपना राज्य त्यागेंगे या मेरा सामना करके अपने प्राण? हे असुर श्रेष्ठ, मैं आपकी आधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, बस एक विनती है मेरी। शर्त को विनती का नाम देकर बहलाना चाहते हो मुझे यमराज? असुर राज मूरा के सामने शर्त रख पाओ इतना सामर्थ्य नहीं है तुम में। इसका आभास है मुझे असुरराज, पर मैं आपकी अधीनता स्वीकार करूं इससे पहले आपको स्वामी धर्म का पालन करना होगा। मेरे पुराने स्वामी के क्रोध से मेरी रक्षा करनी होगी आपको। कौन है तुम्हारा पुराना स्वामी? भगवान श्री नारायण। पर छोटी माँ, मूरा असुर को तो श्री नारायण से भी रक्षा का वरदान प्राप्त था ना? यही तो श्री नारायण की लीला थी बलराम, पर वो राक्षस अपने दम में जे समझ ही ना पाओ कि वो क्या भूल करने जा रहे है। अब पहुंच गए भगवान श्री नारायण को चुनौती देने के लिए। वही ठहर जाओ असुर राज मोरा। यहाँ क्यों आए? आपको पराजित करने और ये वैकुंठ जीतने, ताकि मैं यमलोक का स्वामी बन सकूं। फिर आओ युद्ध भूमि में मेरा सामना करो। ये नहीं जानते कि इनसे ना हारने का वरदान तो मैं पहले ही प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए युद्ध ठीक से आरंभ हो पाए उससे पहले ही इन्हें जीत लूंगा मैं। इस प्रकार जे युद्ध वर्षों वर्षों तक चलता रहो, दोनों योद्धा पूरे ब्रह्मांड में अनेक अस्त्रों शस्त्रों के साथ युद्ध करते रहे। फिर क्या हुआ मैया? को कभी समाप्त हुआ हो? पर कैसे? शीघ्र ही वो राक्षस थक गौ लल्ला। खड़े खड़े देख क्या रहे हैं नारायण? आक्रमण कीजिए, वध कर दीजिए मेरा।
मैं तुम्हारी वीरता से प्रभावित हूं, इसलिए इतनी थकान की स्थिति में मैं तुम जैसे वीर पर आक्रमण नहीं करूंगा। जाओ विश्राम करो, यदि फिर से युद्ध करने की इच्छा हो तो तुम्हारा स्वागत होगा। जे कह के श्री नारायण भद्रिका आश्रम चले गए और वहां हिमवत नाम की एक कंदरा में ध्यान लगा के बैठ गए। उधर वो राक्षस विश्राम करने लगो। अनेकों दिन बीत गए और अब वो राक्षस मूरा फिर से स्वस्थ होके बलवान हो गया था। उसने अपनी सारी शक्ति फिर से प्राप्त कर ली थी। श्री नारायण ने उस पर दया करी थी, पर वो फिर से श्री नारायण को छलने को तैयार होगा। ध्यान में बैठे बैठे श्री नारायण योग निद्रा में चले गए, पर दुष्ट मूरा इसी अवसर का लाभ उठा के उनकी कंदरा में घुस आयो ताकि वो सोते हुए श्री नारायण पे आक्रमण कर सके। आज इस लंबे युद्ध को जीतकर अपने इस अंतिम शत्रु का भी अंत कर दूंगा मैं। प्रभु ने तुझ पर दया की, तुझे संभलने का अवसर दिया, तू इन्हीं पर ही छल से वार करने चला है। मैं अजय हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, ब्रह्मा का वरदान है मुझे। तूने नारायण से अपराजय होने का वरदान मांगा था मूर्ख, उनकी शक्ति से नहीं। ध्यान से देख, मैं तेरी मृत्यु हूँ। मृत्यु कौन थी छोटी माँ? और कौन बलराम, वो ही तो थी देवी एकादशी। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना ही युद्ध करके आपके शत्रु को मृत्यु के घाट उतार दिया। क्षमा नहीं, आपकी तो प्रशंसा होनी चाहिए देवी। असुर राज को मारकर आपने सभी देवताओं को मुक्त करवाया है। इस पापी के अहंकार से तीनों लोकों की रक्षा की है आपने। आप एकादशी की तिथि पर मेरी एकादश इंद्रियों से उत्पन्न हुई है, इसीलिए मेरे सभी भक्त आपको उत्पन्न एकादशी के नाम से जानेंगे। सभी तिथियों में आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। जिस तरह आपने राक्षस के आक्रमण से मेरी रक्षा की है, उसी प्रकार एकादशी के दिन व्रत करके जो भी भक्त आपकी कथा सुनेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। जो आपकी पूजा करेगा, उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी और उसके साथ साथ उसे मिलेगा धन, सिद्धि और मोक्ष।
इसीलिए आज के दिन व्रत रखने का बहुत अधिक महत्व होता है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। प्रभु की कृपा से एकादशी का महत्व भी पता चल गो और मेरा व्रत भी सफल हो गो। अभी नहीं भूला रहा, एकादशी का व्रत पूरी तरह तभी सफल होता है जब द्वादशी के दिन उसे पूरा किया जाता है। आवश्यक है आपको यह आभास होना कि उस विष्णु अवतार को पराजित करने के लिए आपके साधारण योद्धाओं में वो सामर्थ्य नहीं है। वो विष्णु अवतार कुछ अधिक ही असाधारण है। जाने की आज्ञा नहीं दी है। अभी उन्हें किसी और राक्षस को यहाँ भेजने से रोकने के लिए मुझे कुछ करना होगा। बचपन से ही मुझे मारने का सपना देख रहे हैं, फिर मुझे ही नहीं पहचानते। बचपन से विष्णु अवतार। कोई काना बुलाता है तो कोई मुरली तर पुकारता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई कहता है चित चोर, पर विष्णु अवतार इस नाम से तो बस आप ही मुझे बुलाते हो मामा जी। इतना साहस, ये तो यहाँ आ गया। यहाँ आ तो गया तू विष्णु अवतार, किंतु यहां से जीवित नहीं जाएगा। तेरे शीश को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा मैं। मामा जी, आप सदैव इसी तरह क्रोध में रहते हो क्या? देरारा।
मेरी तलवार को छोड़ो दूता, जब पकड़ा हूँ। मामा जी, आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम करना। आपका तो पता नहीं, मैं अवश्य थक गया हूँ। मेरे सिंहासन पर बैठने का तो साहस। अभी तो बस अभ्यास कर रहा था मामा जी, भविष्य में मुझे तो बैठना ही है। आपने बल प्रयोग करके से अपने पिताजी से छीना था, मैं आज छीनूंगा। जो छल और बल से लिया जाए वो अधिक समय तक टिकता नहीं है मामा जी। सिंहासन छीनना चाहता, वो आ रहा है, वो आ रहा है। सैनिक, सैनिकों, अर्जुन, बंद कर दो सभी द्वार और घरों के, सब के सब। इसकी हर संभावना पर इतना कड़ा पहरा बिठा दो कि ना तो कोई महल के भीतर आ सके, ना तो बाहर जा सके। मुझे महल की चप्पे चप्पे की सूचना चाहिए। जाओ। अबा, दुष्ट मायावी, ए छलिया विष्णु अवतार, मैं कंस तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देखता हूँ मेरे सिंहासन पर कैसे बैठता है तू। मुझे तो बस कुछ समय चाहिए था, वो मिल गया। अब करते रहिए आप प्रतीक्षा। जी अपने आप से बातें क्यों कर रहे हैं जी? आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? ना कछु ना। बताओ क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम्हीं पर गए हैं जी। जब तुम व्रत करती हो तो तुम भी ऐसा ही करती हो। इसी प्रकार भूख अधिक लगने पर अपना ध्यान भटकाने के लिए स्वयं से ही बड़बड़ाती रहती। होगा? आपको तो बस मेरा उपहास उड़ाने के लिए बहाना चाहिए। लल्ला, भूख लगी है? ना मैया, व्रत करे तो भूख कैसे लगेगी? यदि लगी हो तो छोटे बालकों को थोड़ी बहुत भूल चूक क्षमा होती है। कछु ना, तो फल तो तू खा ही सकते है। अब तो पूरे नियम और विधि विधान से व्रत तोड़ूंगा। कल द्वादशी के सुबह मुहूर्त के अनुसार। ठीक।
लल्ला, एकादशी समाप्त हो गई है, द्वादशी लग गई है, अब तू व्रत तोड़ सकता है, भोजन कर ले, ले। आज तो कार्य कर लीजिएगा, मैं ना चाहती कि सब गांव वाले फिर से आपका उपहास उड़ाएं। अरे इसी क्षण कार्य आरंभ करना आवश्यक ना है, कुछ खा तो लो। कल भी पूरे दिन व्रत में रहे, अब तो कुछ खा लो। ना ना, अभी बिल्कुल भूख ना है। और हाँ भगवान, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आज मैं किसी को भी दो शब्द कहने का अवसर नहीं दूंगा। अरे कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो कैसे रहोगे?